आप सभी को जय माँ भगवती, राधे राधे। और होली संपन्न हो गया है और आज हम सोचे कि छोटा सा एक ब्लॉग शूट करूं। आज बहुत ही लेट हो गया पूजा करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हम थक गए थे। तो ये हमारे श्री कृष्ण जी, इनको पहले हम उठाएंगे। ये देखिए सो रहे हैं कैसे। और हम रात को इनका ड्रेस चेंज नहीं करते जो रहता है, क्योंकि मेरा ड्रेस जो होता है तो काफ़ी हल्का होता है। हम ओनली जन्माष्टमी में ही इनको हेवी ड्रेस पहनाते हैं, बाकी डेली वेयर में त्यौहार में भी इनको हम थोड़ा सा कम हेवी ड्रेस ही पहनाते हैं। तो ये देखिए, ये तीनों ड्रेस हमने पहनाया था, क्योंकि व्हाइट मुझे नहीं मिला था तो वही ड्रेस है। तो इनको उठा दिया, अब मंदिर का पर्दा हटाते हैं। और आज बहुत ही लेट हो गया है तो सर्वप्रथम दर्शन कीजिए हमारे गणपति जी का, हमारी माँ भगवती का दर्शन कीजिए। ये देखिए, और ये हमारी भगवती जो पहले से हैं हमारे यहाँ, और ये हमारे युगल सरकार जी। तो ये कल का कुछ पूजा का ये है, तो इसको हम उठा के यहाँ से हटा देंगे। हमने कल इसको हटा दिया था बट यहीं छूट गया था, तो इसको यहाँ रख देंगे। और ये जो हमने फूलों का होली खेलने को दिया था इनको, ये है। और ये दो रंग, ये देखिए, ये दो रंग का कटोरी बच गया था तो इसको भी साइड कर देंगे। और इसको आप किसी को लगाने में भी यूज कर सकते हो, या फिर रंगोली में यूज कर सकते हो, या फिर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये भगवान का खेला हुआ रंग है, प्रसाद स्वरूप आप यूज कर सकते हो। तो अभी ये सब हम हटा देते हैं। पानी का लोटा वाटा, तो ये हमारे भगवान जी का। तो सर्वप्रथम देवी भगवती का हम पूजन करके आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद हम बाकी देवी देवता का पूजन करेंगे। तो ये देखिए हमारे गार्डन से कितना सारा फूल निकला। तो हमारे यहाँ पे सभी कुछ मिल जाते हैं, तो रहते तो शहर में है बट गांव जैसा पूरा माहौल है। तो दुईभ, हमारे इधर द्रोभा को दुईभ बोलते हैं। और ये बेलपत्र जो है सो कल हमने मार्केट से मंगवाया था, वो है थोड़ा सा सूख भी गया है। और ये गुड़हल का फूल, कनेल का फूल, वाइट गुड़हल, क्रीम कलर का गुड़हल, ये सब हमारे गार्डन का है। और वाइट कनेल, येलो कनेल, ये सब लगा हुआ है हमारे गार्डन में। और केला का प्लांट भी लगा हुआ है, कभी गार्डन का भी वीडियो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो ये है। और सर्वप्रथम देवी का जो हार चढ़ाए थे कल, वो हम हटा देते हैं, क्योंकि तो ये हम माला हटा देंगे, इसको साइड में रख देंगे। और माता का चक्र दे देंगे, चक्र भी मैंने दे दिया। अब बाड़ी आता है माता को बढ़िया सा फूल हाथ में देने का। तो मुझे माता को, हाँ, माता के हाथ में गुड़हल का फूल लगाना बहुत पसंद है। ऐसा लगता है जैसे माता एकदम खुश हो रही हैं, तो इसलिए। तो ये वाला फूल हम हटा देंगे, साइड में रख देंगे। और ये वाला फूल इनके हाथों में दे देंगे। ये देखिए कितना सुंदर लग रही है, इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ देंगे जैसे भक्त की ओर से झुकाव रहेगा ऐसे। सारे हाथों में भी आप अड़हुल का फूल लगा सकते हो, क्योंकि काफी सुंदर लगेगा भगवती को। तो ये तो हो गया, बाकी आपको हमारे यहाँ पे भगवती का पूजन कैसे किया जाता है वो हम बताते हैं।
तो धूप दीप नैवेद्य ये तो विशेष होता ही है, गंगा जल और सिंधोरा। सिंधोरा आप लोगों को सिंधोरा दिखाते हैं तो, और सिंधोरा का सिंदूर भी दिखाते हैं जो कि, तो ये देखिए एक सिंधोरा यहाँ पे रखा हुआ है। तो वो सिंधोरा हम नहीं खोलते हैं क्योंकि वो माता के लिए रखा हुआ है। कभी अगर बाय द वे कभी सिंदूर चढ़ा नहीं पाए तो माता खुद ही मतलब वो ले लेंगी। और जो सिंधोरा से इनका पूजन होता है वो ये है, ये देखिए ये सिंधोरा है और इसका सिंदूर दिखाते हैं। तो ये देखिए इसका सिंदूर जो होते हैं सो पिंक होते हैं और इसी कलर का सिंदूर से हमारे यहाँ पे शादी होते हैं, हल्के पिंक कलर का और ऑरेंज कलर का यूपी में चलते हैं। तो हमारे तरफ जो है सो यही सिंदूर चलते हैं सिंधोरा में, इसको भकरा भी बोलते हैं, भकरा सिंदूर ऐसा। और भगवती का डेली वियर में पूजा भी इसी सिंदूर से किया जाता है, सिंदूर गुड़हल का फूल नैवेद्य धूप दीप, बस नॉर्मल पूजा में यही जरूरी होता है। और भगवती को 3 बार या 5 बार फूल से इनको सिंदूर दिया जाता है। मांग में भर सकते हो लेकिन नहीं भरते हैं यहाँ पे क्योंकि इनका हेयर खराब हो जाएगा, तो इसलिए इनको गुड़हल के फूल से ऐसे इसको सिंधोरा में ऐसे बोर करके और फिर इनको ऐसे दे दिया जाता है इस तरीके से, इस तरीके से ये देखिए। तो ये हो गया। उसके बाद हम शहर में रहते हैं और गांव मेरा यहाँ से दूर है, तो वहाँ पे मेरी पैतृक जो भगवती का स्थापना है वहाँ पे हुआ है, जहाँ पे पिंडी रूप में मेरे घर में हैं भगवती। तो कभी वहाँ पे जाएंगे, अभी हम लोगों का नववर्ष भी आने वाला है और चैत्र छठ भी आने वाला है। तो हमारे यहाँ पे साल का पहला छठ का विशेष महत्व है और पहला नवरात्र भी, तो उस दिन हमारे यहाँ पे नववर्ष का सेलिब्रेशन किया जाता है, उस दिन भगवती का आगमन भी होता है। तो उसमें हम जाएंगे गांव, तो फिर हम आप लोगों को हमारी कुल की देवी भगवती का भी दर्शन करवाएंगे। और अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम अपना होम टूर भी देंगे वहाँ का। तो ये देखिए वहाँ पे पिंडी रूप में हमारी भगवती हैं और ये हमने यहाँ पे विग्रह रूप में, श्री विग्रह रूप में भगवती का पूजन करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और हाँ जाते हैं तो हम इनको लेके जाते हैं साथ में, क्योंकि गाड़ी से जाते हैं तो कोई दिक्कत होता नहीं है। और हाँ ये जैसे जैसे ये सिंधोरा है तो उसी तरीके से ये सिंधोरी होता है, दो होता है इसके साथ में। जब भी भगवती का प्राण प्रतिष्ठा होता है या फिर पिंडी का स्थापना होता है तो इस तरीके से सिंदूर और सिंधोरी, सिंधोरा और सिंदूरी दोनों मंगवाए जाते हैं जिससे भगवती का पूजन किया जाता है। तो जैसे किसी किसी को अगर रोज़ रोज़ इतना बड़ा सिंधोरा निकालने में दिक्कत हो तो इससे भी पूजन किया जा सकता है उसमें। लेकिन इस ये जो है सो सिंधोरा, ये देखिए इसमें भी वही सिंदूर है भरा हुआ। और सिंधोरा कभी भी जो है सो खाली नहीं रखना चाहिए, पूरे ढक्कन नहीं हटाने चाहिए, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए हमने ढक्कन हटा दिया है। तो ये देखिए ये दो है, तो इसे जो है सो पति पत्नी भी कहा जाता है। जैसे ये सिंधोरा है और ये सिंदूर है, तो ये भगवान शिव का प्रतीक है और ये माता गौरी है, ऐसा भी कहा जाता है हमारे इधर। बिना सिंधोरा और सिंदूरी का हमारे यहाँ पे शादी नहीं होता। और ये लकड़ी का बना होता है, जैसे काठ भी बोलते हैं, तो इसलिए, और काफ़ी सुंदर सुंदर डिजाइन में होते हैं। तो ये सिंधोरा मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इसके मुकाबले, क्योंकि इस सिंधोरा में जो है तो काफ़ी स्टोन लगे हुए, इस वजह से ना इसका पैक नहीं खोलते, इसमें धूल मिट्टी सट जाते हैं। तो जब इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ था तो ये वाला सिंधोरा आया था उस टाइम, उसके साथ में ये सिंधूरी आया था। तो इसमें पीले सिंदूर भरे हुए हैं हमारे यहाँ पे, इन हमारे यहाँ पे बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको पीले सिंदूर भी चढ़ाए जाते हैं, तो उसमें पीले हैं। तो
इसलिए तो ये सिंधोरा आया था उस टाइम। ये देखिए, तो यहाँ पे रखे रहते हैं भगवती के पास, और ये सिंधोरा जो है सो जब माता भगवती इनका आने का जब टाइम हुआ तो ये वाला आया था। तो सिंधोरा तो बहुत सारे होंगे, और ये सिंधोरा से कभी भी जो है सो अपने मांग में सिंदूर ना भरे, क्योंकि ये माता का सिंधोरा है, भगवान शिव का प्रतीक है, तो माता का ही पूजन करें। अगर हाँ, अगर आपको भरना है तो इस फूल में से लेके भर सकते हो, क्योंकि माता का लगाया हुआ सिंदूर वो हो जाता है। और हमारे यहाँ पे जो है सो ऐसे ही नहीं पूजा जाता है, भगवती पूजना बोलते हैं जिनको, तो जितने बार भी सिंदूर डाले जाते हैं तो उनको आंचल से ढक के ही दिए जाते हैं, ताकि किसी का नजर ना लगे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे माँ भगवती का पूजन होता है। कभी प्रॉपर पूजन करके दिखाएंगे। हमारे यहाँ चतुर्षष्ठ योगिनी मातृका पूजा काफ़ी विशेष माने जाते हैं, और ये हमारी कुल की देवी भगवती हैं, और इनकी 360 विघ्न, जिनको गिद्रिया भी बोलते हैं, उनका भी पूजन हमारे यहाँ पे, जब इनका वार्षिक पूजा अगर कोई करता है तो उनका भी पूजा प्रॉपर करना होता है। तो उनका पूजा काफ़ी कठिन होता है, तो एक बार हमारे यहाँ हो चुका है, यहाँ पे मैंने वीडियो भी अपलोड किया है, तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं। तो उतना अच्छे से उस टाइम हम ब्लॉगिंग नहीं करते थे, तो अच्छे से वीडियो तो नहीं है, बट छोटे छोटे से क्लिप मैंने डाला है, तो काफ़ी अच्छे से पूजा होता है। तो अभी के लिए जय माँ भगवती, राधे राधे, अभी इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे।